Good morning, student. I'm your computer teacher, Tuba Amir. Today is my 12th lecture of unit number 3. Student, आज हम new topic start करने लगे हैं unit number 3. Take out your book. Today we will discuss about computer accessories. अब ये computer accessories क्या हैं? आपने कभी ये देखी हैं सब चीज़ें जो इस स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही हैं, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है और माउस है, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, सीपीयू के साथ अटैच करते हैं ताकि हमें इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से नए फंक्शंस मिल सकें। जिस तरह एक माउस से हमें कर्सर का काम मिलता है, ठीक है, जो हम मॉनिटर पे देखते हैं, एक कर्सर होता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मॉनिटर हमें नज़र आ रहा है, जो भी काम हम करते हैं मॉनिटर पे शो होता है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसरीज। एन एक्सेसरी इज़ अ थिंग दैट कैन बी एडेड टू समथिंग टू मेक इट मोर यूजफुल एंड वर्सटाइल। स्टूडेंट, एक्सेसरीज एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसे किसी चीज़ में शामिल किया जा सकता है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कारआमद और वर्सटाइल बनाया जा सके, ठीक है, कारआमद और वर्सटाइल बनाया जा सके, जिसे हम ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे अ कंप्यूटर एक्सेसरी इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कैन बी इंस्टॉल्ड विद अ कंप्यूटर टू मेक इट मोर यूजफुल। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर एक्सेसरी एक हार्डवेयर का पीस है, ठीक है, हार्डवेयर का पीस है, मतलब जो हम ऑलरेडी हार्डवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, ये उसी का एक पीस है, ठीक है, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदे हासिल कर सकें। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट सम कंप्यूटर एक्सेसरीज, ठीक है। कीबोर्ड, सबसे पहले जो हम कंप्यूटर एक्सेसरी के बारे में पढ़ेंगे वो क्या ना, उसका क्या नाम है, कीबोर्ड। आ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, और वह कैसे है, कंप्यूटर जैसे एक कीबोर्ड, जैसे कि हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है कीबोर्ड जिस पे डिफरेंट कीज़ हैं, ठीक है, ABC है, नंबर 1, नंबर 2 है, ठीक है, जिसे हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में ताकि हमें जो भी हमने काम करना है, अगर हमने इंग्लिश का कोई काम करना है तो हम ABC करेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, अगर हमने मैथ्स का काम करना है, मैथ की टाइपिंग करनी है, कोई पेपर टाइप करना है तो हम 1, 2 करेंगे, मतलब वो न्यूमेरिक कीज़ हम टाइप करेंगे, ठीक है। जब हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो डिवाइसेस क्या होती हैं जिसे डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, विच इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड अदर कमांड्स टू अ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कंप्यूटर में हम डाटा एंटर करते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए कोई भी कमांड देते हैं, ठीक है, किसे दी जाती है, वो कीबोर्ड से। इट इज़ नेम्ड एज अ कीबोर्ड बिकॉज इट हैज़ गॉट 104 कीज़ ऑन इट। इट्स मेन कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ का नाम है जिस पे 104 कीज़ हैं, ठीक है, 104 कीज़ हैं, मतलब जिस पे कीज़ होती हैं तो उसे, जिस बोर्ड के ऊपर कीज़ होंगी हम उसे क्या कहेंगे, कीबोर्ड, सिंपल वर्ड में, ठीक है। विच आर यूज फॉर टाइपिंग, जो टाइपिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। अ कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, एक कीबोर्ड कैसे होता है, पहले कीबोर्ड की बजाय एक टाइपराइटर यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो न्यू फॉर्म है टाइपराइटर की उसे हम कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही टाइपराइटर की तरह है। एंड इट हैज़ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कीज़, एक कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज़ हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, नंबर 3 फंक्शन की, नंबर 4 एरो की, नंबर 5 स्पेशल की। अब मैं आपको इनके पिक्चर भी दिखाती हूँ कौन कौन से कीज़ हैं वो, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे कि हमें स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही है, की हैं वो कीबोर्ड एरो की, ठीक है, ये जिस पे एरोज बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड एरो की, ठीक है। आगे है ये नंबर्स हैं, इन्हें हम कहेंगे न्यूमेरिक कीज़, क्या कहेंगे हम इन्हें, न्यूमेरिक कीज़, जैसे कि 1, 2, 3 है इसके ऊपर नंबर्स हैं, इन्हें हम न्यूमेरिक की बोलेंगे। अब जिसके ऊपर ABC राइट होती है, जिन कीज़ पर, उन्हें हम कहते हैं अल्फ़ाबेट कीज़, ठीक है, ABC क्या है, बेसिकली अल्फ़ाबेट है, तो इसलिए अल्फ़ाबेट कीज़। फंक्शन कीज़,
अब ये फंक्शन कीज़ कौन सी हैं जिस पे ये टॉप पे होती है बिल्कुल, जिस तरह F1, F2, F3, F4, F5, इट्स मीन के जो हमें डिफरेंट कीज़ डिफरेंट फंक्शंस जो यूज़ हमने करने होते हैं कंप्यूटर को, विंडोज़ के लिए यूज़ करना होता है, मतलब किसी भी फंक्शन के लिए यूज़ करना होता है, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन की। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये है कीबोर्ड स्पेशल कीज़। ये स्पेशल कीज़ होती हैं जिसे हम अपने जो हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं कि अगर हमने इसके वॉल्यूम तेज़ करना है, कम करना है, फॉरवर्ड करना है, बैक करना है, तो ये कीज़ यूज़ करते हुए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्पेशल कीज़। स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट कीज़ होती हैं, टोटल कीज़ 104 होती हैं और ये डिफरेंट काम करती हैं नंबर्स के अलावा भी, अल्फ़ाबेट के, और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हर की का अपना अलग फंक्शन होता है। अंडरस्टैंड, अब हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। व्हाट इज़ माउस? अ माउस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल्स द कर्सर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, जो माउस है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, और इसके अलावा एक इस पर कर्सर शो होता है हमें मॉनिटर पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर शो होता है जो कंट्रोल करता है माउस, ठीक है। आज यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, जैसे कि आप माउस को मूव करेंगे तो वो जो कर्सर है वो बिल्कुल वैसे ही मूव होगा फ्रीली। यू विल सी दैट द माउस पॉइंटर्स मूव्स फ्रीली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउज अस टू सेलेक्ट एनी ऑप्शन गिवन ऑन द स्क्रीन। इट्स मीन के जब हमने माउस को यूज़ करना है, माउस को हल्का सा मूव करेंगे तो जो कर्सर है वो हमारी स्क्रीन पे भी मूव होता हुआ हमें नज़र आएगा और हमें कहेगा कि आपने किसी भी आइकन को, किसी भी चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप एक माउस के ज़रिए इजीली कर सकते हैं। द माउस हैज़ टू बटन्स कॉल्ड एज द लेफ्ट बटन, ठीक है, एंड द राइट बटन। माउस के बेसिकली टू बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, एंड बोथ दीज बटन्स हैव देयर ऑन फंक्शंस। दोनों बटन्स का अलग अलग अपना अपना काम होता है, ठीक है। समटाइम्स अ माउस ऑल्सो हैज़ अ व्हील इन द मिडल ऑफ बोथ एंड द बटन्स। ऐसा भी होता है कि माउस के नीचे एक व्हील भी होता है, ठीक है, माउस के जो नीचे की साइड पे मिडल में एक व्हील होता है, ठीक है। दिस व्हील इज़ यूज फॉर स्क्रोलिंग द पेज, जो व्हील का काम होता है कि पेज को स्क्रोल करना, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ माउस, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी पिक्चर भी कौन सी है। मैकेनिकल माउस ऑन विच हैज़ अ बॉल इनसाइड, जो मैकेनिकल माउस है ये यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज़ अ मैकेनिकल माउस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑन विच हैज़ अ बॉल इनसाइड इट, इट्स मीन के अगर हम माउस को उल्टा करके देखते हैं तो इसमें एक छोटा सा बॉल होता है मिडल में नीचे, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि एक छोटा सा बॉल होता है मिडल में जो स्क्रोलिंग के लिए काम आता है, ठीक है, पेज को स्क्रोल करता है, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल माउस। क्या कहते हैं इसे हम? मैकेनिकल माउस। एंड सेकंड टाइप इज़ ऑप्टिकल माउस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है? वन विच हैज़ अ लेज़र अंडरनीथ इन इट, इट्स मीन वन विच हैज़ अ लेज़र अंडरनीथ इट, इट्स मीन के ऑप्टिकल माउस के नीचे एक लेज़र होती है जिसका कलर रेड होता है, जहाँ जहाँ रेड कलर जिस जगह पे हम मूव करते हैं, ठीक है, जिस सरफेस पे रख के बिल्कुल ऐसे ही वो स्क्रीन पे हमें नज़र आता है स्क्रॉलिंग करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए ऑप्टिकल माउस भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये लेज़र लाइट बॉल की जगह काम करती है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट माउस है हमारे वो एक लेज़र के ज़रिए काम करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? कीबोर्ड के बारे में, उसकी डिफरेंट कीज़ पढ़ी हैं, और माउस देखा है हमने, उसके टू टाइप्स होती हैं, नंबर 1 मैकेनिकल माउस एंड नंबर 2 ऑप्टिकल माउस, ठीक है।